अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो ये व्लॉग दो दिन का मर्ज होकर बनेगा। आज रात को शायद सहरी होगी, तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी मामा को हिना लगाना, एंड देन मैं अपने हाथ पे लगाऊंगी एक हाथ पे, एंड देन इज़मा को हिना लगाऊंगी। हमेशा से मैं ही रमदान में लोगों को हिना लगाती हूँ, तो मैं हिना लगाऊंगी। उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा सहरी का भी दिखाऊंगी, जो हम लोग सहरी बनाएंगे, एंड देन आई नेक्स्ट डे इफ्तारी सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी। सो आई एम सो एक्साइटेड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, अब मैं अपनी मामा को हिना लगाने लगी हूँ। और मामा, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है बताइए, आपको क्या क्या चाहिए? बेटा, आप खुद इतनी अच्छी से लगाती हो, अपनी मर्जी से लगाती हो, लेकिन आपको चांद जरूर चाहिए, राइट? ताकि पता चले कि रमदान की हिना है। जी, पैसे दोगी? पैसे दोगी? सब तुम्हारे हैं। सो गाइज, मैंने अभी इधर चांद ड्रॉ किया है, और अभी मैं इधर जो है लालटेन लगा रही हूँ मम्मी को। और एक हाथ से फिल्म करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो जैसे ये बन जाएगा एक हाथ का, फिर वहाँ पे वो दिखाऊंगी। सो गाइज, वन हैंड हो गया है, और मैंने मामा के लिए चांद, और ये देखो छोटी सी लालटेन, कितनी क्यूट लग रही है। अभी सेम मैं दूसरे हाथ पे भी लगाऊंगी। मामा, आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मामा, अपने यहाँ से खराब कर दिया। मैंने नहीं खराब किया। सो गाइज, मामा के दोनों हाथों पे मैंने हिना लगा दी है, और आप लोग देख सकते हैं ये इस तरीके से लग रही है। और आप लोग कंफ्यूज मत होना कि किस तरीके की हिना है। हम सब रमदान में इस तरीके की हिना ही लगाते हैं, चांद और ये लालटेन और ये सारी चीज़ें। तो ये अब मामा का हो गया। अब मैं इज़मा की नहीं, पहले अपने एक हाथ पर लगाऊंगी, फिर इज़मा जब फ्री हो जाएगी तो इज़मा को लगाऊंगी। सो गाइज, मैंने अभी अपना स्टार्ट किया है मून से। ये मेरा कुछ इस तरीके से लग रहा है। अभी जब ये पूरा कम्प्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइज, मेरा एक हाथ कंप्लीट हो गया है, और ये मैंने थोड़ा सा इधर लगाया है ताकि क्यूट सा लगे। और अभी दूसरे हाथ पे तो देखते हैं इज़मा कैसे लगाती है। दूसरे हाथ पे मैं नहीं लगा रही, इज़मा लगा कर देगी, और मैं अभी इज़मा से पूछती हूँ, अगर वो फ्री होगी तो मैं उसको लगा कर देती हूँ। है ना, स्टार्ट करो। हाँ, कर दिया। सो गाइज, आई एम ऑल्सो प्रोफेशनल है ना आर्टिस्ट, ठीक है। अभी मैं अपी के हाथ ऐसे बर्बाद करूंगी, सारा क्या बोलते हैं गुस्सा मैं अपी के हाथ में निकालूंगी। किस बात का गुस्सा? बस अभी मैं लाइन बिछा, और ये वाली हिना नहीं है, दूसरी है, ग्रीन वाली। हाँ, वो रही हाँ वो है। और मेरा बहुत सिंपल डिजाइन है, मैं इधर दिखाती हूँ सबको, बस वैसे ही लगाना है तुमने आगे पीछे। ओके, ठीक है, घुमाना है। ओके, बाय। और इज़मा को मैं रात में लगाऊंगी। जब लगा देना, नहीं तुमने नहीं लगाया ना, मैं तुम्हारा हाथ वापस दूंगी। अभी आप फ्री नहीं हो, वरना मैं आपको अभी लगा देती, तो आप पहले मेरा लगाएं। तो गाइस, क्योंकि ये जब ये कर लेगी तो मैंने अपना जो है ना पूरा रूम साफ करें, मेरे रूम का काफी बुरा हाल हो रहा है, तो मैं अपना रूम साफ करना है, और मैंने ये कॉर्नर अपना जो है नमाज के लिए तैयार करना है। तो आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स, सो या रूम साफ करूंगी, मुझे अपना कॉर्नर बनाना है। कॉर्नर? हाँ, ये लाइटें अपा मुझे भी दो, ये मेरी बर्थडे की लाइट है। नहीं, ये आपकी बर्थडे की लाइट ही नहीं है, ये मेरी है। वो एक अलीजे को एक हाँ, मैं पागल। मैंने ऑलमोस्ट सेम ही बनाया है, बस डॉट्स ऐसे लगाए जैसे कि बम गिरा ऊपर से। अल्लाह, इतने प्यारे ना कलर के बार देखना। हाँ, अभी हाथ नहीं लगा। सो गाइज, ये इज़मा ने लगा के दिया है, और वो ये बिल्कुल पिक्चर के एज इट इज ही लगाया है। थैंक यू सो मच इज़मा, दिखाओ पिक्चर। देखो, भले कि मैंने पिक्चर से अच्छा लगाया, पिक्चर में इतना पतला से लगाया, इसमें अच्छा लग रहा है। सेम। देखा, मैं आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट। चलो, अब आप की बारी आएगी थोड़ी देर में। हाँ, अभी मैं लाइव जाऊंगी। ओके, जाओ। सो गाइज, मैंने कुरान पाक का और नमाज का ये सेटअप जो है रेडी किया अपने रूम में। बैकग्राउंड अभी इग्नोर करना, क्योंकि मेरा अभी रूम साफ नहीं हो रहा है। तो यप, मेरी जानमाज, मेरा कुरान पाक, मेरे अभी पारे रखे हुए कुरान पाक, अभी मामा से मांगूंगी कि मैं पारे पढ़ती हूँ। तो और ये लाइट कितनी प्यारी लग रही है, और ये भी। सो गाइज, मेरा सारा काम हो गया है, और न्यूज़ भी आ गई है कि पहला रोज़ा 23 को होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इस बार मेरी सारी चीज़ें टाइम पर हुई हैं। हिना भी लग गई, डेकोरेशन भी हो गई, कॉर्नर भी सेट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं सिर्फ एक चीज़ का वेट कर रही हूँ। मैंने कुछ मंगवाया था इंडिया से, इट्स लाइक अ जलबाब, सो लेट्स सी वो अब कब आता है। तो बस वही चीज़ है। इस व्लॉग को मैं फिर कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह कल, जब हम सहरी करेंगे, एंड देन आपको सहरी भी दिखाऊंगी, इफ्तारी भी दिखाऊंगी, सब दिखाऊंगी। तो प्लीज़ ये व्लॉग एंड तक देखिएगा, आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। सो गाइज, ये हमारी ग्रॉसरी हो गई है सारी, अभी अभी आए हम, मैंने निकाली भी नहीं है शॉपर से। तो सारी चीज़ें आ गई हैं, सब्जियों से लेकर हर एक चीज़,
चावल वावल सब कुछ सब कुछ सब कुछ आ गया इसमें, सब कुछ है। तो अभी से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ये इम्पोर्टेंट चीज़, बेसन। मतलब पकौड़े नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा कि भाई रमजान है। सो गाइस ये इज़ मकी ना भी लग गई एक हाथ पे फिलहाल, इस हाथ पे लगेगी। हाँ दिखाओ, नहीं इस तरफ से ऐसे ऐसे। अच्छा अच्छा, पागल औरत। हाँ कितनी प्यारी लग रही है। अब दूसरे हाथ पे दूसरा डिज़ाइन, सेम सेम नहीं है इसमें। सो गाइस इस माँ की अब दोनों हाथों पे हना लग गई है, कितनी क्यूट सी लग रही है मुँह की। वो कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, लेफ्ट या राइट? दिस वन, मुझे ये वाला ज़्यादा प्यारा लग रहा है। दोनों तुम्हारी चॉइसेस। हाँ नहीं दोनों प्यारे हैं, बट ये वाला मुझे ज़्यादा प्यारा है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है ना। मैं ओके, मुझे ये वाला ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप लोग बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है। कितनी रमजान वाइब आ रही है ना यार, अब रमजान वाइब आ रही है। सो आज 22 है और आज की रात है सहरी, और ये मेरा पैकेज मुझे रिसीव हुआ है और मैं कब से इसका वेट कर रही थी। एंड दिस इज़ जलबाब, इसे जलबाब भी बोलते हैं। आई डोंट नो, मैं इसकी एक पिक्चर यहाँ पे लगा दूँगी। कुछ इस तरीके का होता है, मैंने कभी इसे पहना नहीं था, तो मैंने सोचा था जब मैं तरावी पढ़ने के लिए जाऊँगी तो मैं ये पहनूंगी। तो ये मैंने दो कलर से मंगवाए थे और ये एक फुल है, ये मुझे अच्छा लगा था। इसके साथ अटैच नकाब भी होता है, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैं आप लोगों को ये पहन कर दिखाऊंगी, रात में दिखाऊंगी, अभी नहीं, मतलब अभी थोड़ी देर में पहन के दिखाऊंगी। तो अभी मैं इसको अच्छे से प्रेस कर लेती हूँ और हैंग कर देती हूँ। तो मैंने ये अच्छे से प्रेस कर दिए हैं और मैंने इधर ये खुशबू लगा दिए, तो ये अच्छे से इसमें पूरे में अच्छे से खुशबू हो जाएगी। और अभी थोड़ी देर में मगरिब भी होने वाली है, सो जब मगरिब होते ही पता लग चांद दिख जाएगा, और चांद देखते ही मैंने दुआ करनी है बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो दिस इज़ बेसिकली जलबाब जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं पहनूंगी। सो इट्स लाइक अ फुल प्रेयर क्लॉथ, लाइक ए फुल है, इट्स फुल एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल। आई एम सो एक्साइटेड फॉर द तरावी। सो इसको आप इस तरीके से भी पहन सकते हो, और इसको आप सिक्योर करने के लिए नीचे इलास्टिक है, आप इसको पीछे भी वैसे करके पहन सकते हो। सो दोनों तरीके हैं, तो या इस तरीके से भी आप इसको पहन सकते हो, इधर पीछे इलास्टिक है। आई डोंट नो इफ इट्स द राइट वे, बट मुझे कुछ इस तरीके से कंफर्टेबल लग रहा है, बिकॉज मैं जब बात कर रही हूँ तो ये नीचे नहीं उतर रहा। सो या अभी थोड़ी देर में चांद दिख जाएगा और रमदान है, सो आई एम सो 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 एक्साइटेड। सो आई वांट टू गिव यू गाइज इंट्रोडक्शन, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू गाइज वर आस्किंग मी इन कॉमेंट सेक्शन के अलीज़ रमदान क्या है, बेसिकली क्या है रमदान। सो आप लोगों को बताती हूँ। सो गाइज मैं आप लोगों को शॉर्ट समरी देती हूँ कि रमदान बेसिकली क्या है और हम लोग क्यों इतना एहतमाम करते हैं। सो बेसिकली रमदान को ब्लेसिंग्स ऑफ मंथ्स कहा जाता है। अगर आप इस मंथ में अपने आप को अल्लाह ताला से क्लोज कर, मतलब ये ऐसा है कि जैसे कि एक बच्चा गंदा होता है ना और फिर वो धुल जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, बिल्कुल वैसा। तो इसकी एग्जांपल वैसी है। और फिर रमज़ान में सिर्फ आपने रोज़ा रखना होता है, रोज़ा इज़ वेरी इजी। आपने 3 बजे सहरी करनी होती है, उसके बाद आपने सारा दिन कुछ भी नहीं खाना है, आपने मगरिब में सनसेट में अपना रोज़ा खोलना होता है। एंड रोज़े में आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, आपने इबादत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है, नमाज वगैरह पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, झूठ नहीं बोलना है, ज़्यादा इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस आपका फोकस क्या होना चाहिए कि आपने अल्लाह ताला को राज़ी करना है, दैट्स इट। झूठ नहीं बोलना है, कोई चीज़ मतलब गलत नहीं करनी है, दैट्स इट। मतलब इसके ये चीज़ है। और बाकी और क्या, हाँ, और रमज़ान में एक ऐसी रात आती है उसे लैलतुल कदर बोलते हैं। तो वो हमें नहीं पता होती वो कौन सी रात है। तो हम लोग मतलब सिर्फ डेट्स पता हैं, 21, 22, 25 और 27, हाँ कुछ इस तरीके से ही। अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे वो मत करना, क्योंकि तो इसीलिए ये रमज़ान हमारे लिए इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सब अल्लाह ताला को राज़ी करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, चैरिटी करते हैं, तो बस यही है। और फिर रमज़ान की बात आती है ईद, तो या दैट्स इट। अगर मैं कुछ पॉइंट मिस कर रही होंगी तो मुझे बता देना, लेकिन ये सारा कंपलसरी था, मैं आप लोगों को समझा दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन नहीं भी आया तो आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ गाइस, आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कल से ऑन टाइम होंगी। मैं जो जल्दी भाग रही हूँ मुझे थोड़ी सी मिलेगी, लेकिन चलो कोई नहीं। सो गाइस मेरी फर्स्ट तरावी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, ऑन टाइम।
सब निकल रहे हैं यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरावी हो गई है और अब मैं जाके कुरान पाक पढ़ूंगी। मैं इस बार अपना पूरा कुरान पाक ख़त्म करूंगी हमेशा की तरह, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। सो यप अभी स्टार्ट करूंगी। वहाँ पे मैंने स्टार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी अपनी निशानी है। तो यप अभी मैं स्टार्ट करूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को सहरी में ये व्लॉग कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, बाय। सो गाइस मैं सो गई थी, आई जस्ट वोक अप, अभी 3 बजने वाले हैं, बजे नहीं है। सो अभी हम सहरी की तैयारी करेंगे यार। सो गाइस सहरी में मेन्यू में हमारे पास टमाटर की चटनी है, कीमा है और उसके साथ ये चावल है, जो अगर चावल जिसको खाने हैं, और मामा भी जो है पराठे भी बनाने लगी हैं। तो ये टमाटर की चटनी कुछ इस तरीके से लग रही है। ये टमाटर की चटनी इज़्मा और वासे के लिए, बिकॉज़ वो लोग कीमा नहीं खाते। ये हमारा कीमा, और ये चावल, और अभी जब मामा पराठे बनाएंगी तो आप वो दिखाऊंगी। सो गाइज सहरी हो और चाय ना बने ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सो ये हाथ के हाथ में चाय भी चढ़ा रही हूँ जब तक मम्मा और चीज़ें देख रही हैं। हाँ, वैसे मैं चाय नहीं पीती लेकिन ये अम्मी और इज़्मा वासे सबके लिए है। सो गाइज ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसे ही है मेरा क्यूट सा जो मैंने डेकोरेशन की थी। तो अभी हम यहाँ पे बैठ के अपनी सहरी करेंगे। सो गाइज ये मेरे हर साल के रमजान करीम के क्या बोलते हैं सेम कप है, तो मैं इन सबको बोलती हूँ भाई अपने अपने कप को साइड पर रखो, अभी रमज़ान करीम के जो कप है ना इनके अंदर पीना। तो ये मेरी हर एक चीज़ अभी मैं आप लोगों को इफ्तारी में दिखाऊंगी और अभी मैं आप लोगों को जग भी दिखाऊंगी, वो भी रमज़ान इंस्पायर्ड है। सो गाइस ये बन रहा है पराठा। सो इट्स ये आप ये भी ले सकते हैं कि भाई पराठा कैसे बनता है, ये इस तरीके से पराठा बनता है। देखिए देखिए और से देखिए, अच्छे से देखिए पराठा कैसे बनता है। ओए होए 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 पाकिस्तानी पराठा, पठानी पराठा। सो गाइस इस तरीके से ये मुझसे कभी भी बेला नहीं जाता, ये पता नहीं कैसे मम्मी बेलती मुझसे रोटी, मुझे रोटी बनानी नहीं आती। क्या कह रही हो इसो? इसमें क्या हुआ, क्या बोल रही हो? इतनी प्यारी बनी और अब ये जा रही है तवे पर। ये देखे ये पराठा, ये पराठा। अभी देखो मम्मा इसको कैसे क्रिस्पी और अच्छा बनाएंगी, ये मम्मी की सीक्रेट। पता नहीं कैसे यार मम्मी बना लेती थी, मुझे तो पराठे नहीं बनाना आता। तो इसको साथ साथ घुमाना है। हाँ, रोकना नहीं, अगर रोकेंगे तो वो ना एक तरफ से ब्लैक सा हो जाएगा। अच्छा, आप लोग वैसे नहीं खाते हो ना, जिसे बहुत ज्यादा खाते हैं। इस तरीके से पाकिस्तानी क्रिस्पी पराठा बनता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे 500 धर्म दे सकते हैं और मैं आप लोगों को रेसिपी दे दूंगी। पैसा ही पैसा हो गया मम्मी जी। चलो गाइस अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। सो गाइज अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी डाइनिंग लग चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल हमारी रिस्क में बरकत दे, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अभी हम लोग सबको बुला रहे हैं कि आओ भाई जल्दी सहरी सहरी करो, टाइम जा रहा है। माशाल्लाह। हाँ इस्मा रख लिया रोज़ा फ्रिज में? फ्रिज में नहीं रखा। दिल से रखा है मैंने। पानी देखो कितना ज्यादा पिया, दो ग्लास। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज अभी इफ्तारी का टाइम होने वाला है और मैं अभी जाऊंगी किचन में और इफ्तारी की सारी चीज़ें करूंगी। आई एम लुकिंग वेरी बैड, लाइक मैंने अभी कोई भी मेकअप वगैरह नहीं किया हुआ बिकॉज मैं नमाज और कुरान पाक की पढ़ रही थी। तो अभी मैं जब जाऊंगी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि हम क्या क्या बना रहे हैं। हमने सहरी बहुत ज़्यादा हैवी की थी तो इफ्तारी हमारी लाइट होगी, तो स्प्रिंग रोल्स, पकौड़े एंड देन लेट्स सी व्हाट एल्स वी आर मेकिंग। सो यप लेट्स गो। सो गाइस की स्प्रिंग रोल्स के लिए मैंने चिकन बॉइल किया और इसके अंदर सिर्फ मैंने एक वो
एक किनार वाला जो वो होता है ना, पता नहीं क्या बोलते उसको, मैं भूल गई, वो डाला है ठीक है। और ये बेसन इधर गिरा, इसका भी हम मिक्स करेंगे, पकोड़े बनाएंगे हम, आलू वाले पकोड़े और दूसरे वाले जो पकोड़े होते हैं ना वो बना रहे। दूसरे वाले जो पकोड़े होते हैं मुझे पसंद नहीं आते, लेकिन वो मेरे और मेरी मामा के, मेरे और बाबा के पापा को पसंद है, उसे भुजिया भी बोलते हैं। सो हो गया, तो अभी इसके अंदर जा रही है मिर्च, नमक, सफ़ेद ज़ीरा ओके, बस बस बस। पकोड़ा का मिक्स रेडी हो गया है, ये इस तरीके से होता है, इतना ही थिक रखना होता है। सही लग, ये रेडी हो गया। इसके अंदर जो ये गोल गोल होते हैं वो मुझे बहुत परेशान करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है क्या बोलते हैं उसे, पकौड़ों के लिए। सो ये पकौड़ा, oh, really? Yes. क्यों? I'm not ready. इतना तो रेडी हो, इतना तो मेकअप किया हुआ है। कोई मेकअप नहीं किया हुआ, तो आओ ना। तो मैं तो वो भी नहीं लगाया अभी, मेरी लैश एक्सटेंशंस पहले से लगी हुई है। सो और ये रमदान के डिशेज हैं मेरे पास की सारी, अभी मैं इनको जो है वॉश करूँगी अच्छे से। सो ये नीचे वाली फ्रूट्स के लिए, ये छोटी बहुत चीज़ों के लिए, एंड देन ये चटनी के लिए। बर्तन जो हमारे रमदान में निकल गए, इसे खंगाल लेते हैं अच्छे से। सो गाइज, ये पकौड़ों के साथ की ग्रीन चटनी मैं बनाने लगी हूँ। ये इन्ग्रीडियंट्स हैं मेन, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, मिंट है मम्मी, मिंट है ना, और ये धनिया पुदीना, धनिया पुदीना हरा धनिया पुदीना, ओके, पुदीना हरा धनिया, और ये लहसुन, ठीक है। इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं। सो गाइस, मैंने आप लोगों को चटनी का बताया था, तो ये भी हम थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे, और ये हमारा ये ब्लेंडर, ये इसके अंदर जाएगा फल, पानी में से टच करेंगे, एंड देन बिस्मिल्लाह। चटनी हो गई है मेरी रेडी, ये अभी मैं इसको इस बाउल में निकालूंगी। सो ये अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाह। ये हमारी चटनी हो गई है रेडी। बस एक पीस आपको चिकन क्यूब डालना होता है, और ये मामा ने मिर्च डाली है, वो आपकी मर्जी है, अगर आप, क्योंकि हम लोग स्पाइसी खाते हैं, बस एक चिकन क्यूब भी काफ़ी रहेगा। मैं इसको यू नो रेशे रेशे करूँगी, तो रेशे करके आप लोगों को दिखाती हूँ। इसकी भी एक ट्रांजिशन करते हैं, 1 2 3 टड़ा, ये रेशे रेशे हो चुके हैं, ये देखें मैं अपने खूबसूरत खूबसूरत हाथों से ये रेशे रेशे किए हैं। अभी हम गोभी काटेंगे, बिकॉज स्प्रिंग रोल्स में गोभी भी डलती है। मम्मा ने कहा है कि इन्हें बारीक बारीक कट करना है, इसे बिल्कुल बारीक बारीक, हम इसको बारीक बारीक ही कट करेंगे। सो गाइस, अभी हम लोग स्प्रिंग रोल की फिलिंग रेडी कर रहे हैं। ये मैंने एक बाउल में वो जो मैंने क्या बोलते हैं उसे गोभी को कट किया था, ये डाला है, और ये जो मैंने ये श्रेष रेशे किए थे, ये भी इसके अंदर जा रही है। वन टू और ये थ्री, ये काली मिर्च का जायका बहुत अच्छा आता है, तो आप लोग यू नो कर सकते हैं। अब इसके अंदर जाएगा मायोनीज, तकरीबन ब्लैक पेपर, तो काली मिर्च छूते रह जाएंगे, कौन सी काली मिर्च, हाँ वही ब्लैक पेपर गाइस, ब्लैक पेपर अंग्रेजों, ये मायोनीज जाएगा भर भर के। वन टू और ये थ्री, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी अपने हाथों से, तो अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा तो वो स्किप कर सकते हैं, भाई हम तो हाथ सीख, मेरे हाथ क्लीन है, ठीक है। अच्छे से मिक्स करूंगी इसे मैं, ओए होए 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 होए। स्प्रिंग रोल्स की फिलिंग रेडी हो गई है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से लग रही है। अभी जब मैं फिल करूंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। ये मैं शरबत बनाने लगी हूँ, अभी इसके अंदर मैंने चीनी पानी घोला है और इसे मिक्स करना है। रूह अफ़ज़ा के बिना तो रमदान बिल्कुल खाली खाली लगता है। ये अच्छे से घुल गई चीनी मेरी, हाँ घुल गई है मेरी चीनी। ये मेरे पास एक बहुत प्यारी सी प्लेट है,
मून बना हुआ है इस पर, इसके अंदर मैं जो है खजूर निकाल के रखूँगी। तो ये जैसे ही मैं बना लेती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ, ये हर साल मैं ऐसे ही रखती हूँ। तो मेरे जहन से निकल गया था कि मैंने वॉश करना है, फिर मैंने वॉश कर दिया और मैंने जो है दोबारा फ्रिज में रख रही हूँ ताकि ये ठंडे ठंडे हो। सो गाइज, ये पकौड़ों के लिए ये मामा ने कट किया है, बिकॉज ये मुझे इतना बारीक कट नहीं करना आता था, और ये बाबा के लिए पकौड़े बन रहे थे, उसमें बिल्कुल भी कुछ ख़राब चीज़ नहीं चाहिए। तो हाँ, ये पकौड़े जब ये बन जाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके के पकौड़े होते हैं। मुझे ये वाले अच्छे नहीं लगते, मुझे तो आलू वाले पकौड़े अच्छे लगते हैं। और मुझे नहीं लगता मम्मी आप आलू वाले आज बना रही हो। हाँ प्लीज़ बना दें आलू वाले। तो गाइज, मम्मा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये वाले पकौड़े बन गए, ये बन भी चुके हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं पकौड़े। डाइनिंग भी सेट कर रही हूँ, डाइनिंग, क्योंकि फिर अभी थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, तो वी हैव टू हरी अप। हाय गाइस, दिस इज मी, दिस इज माय जमाली। मैं भी बहुत जल्दी यूट्यूबर बन जाऊँगी, बस मुझे ये नहीं पता इधर देखते हैं कि इधर देखते हैं, बट आज मैंने कोई काम नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं कल करूँगी, कोई मास्ता नहीं है, मैं शहरी में कर दूँगी ना, मेरा दुपट्टा ही नहीं सर पे आ रहा। हाँ अब ठीक है, ऐसे परफेक्ट है। वाह, ये इधर देखते हैं। सो अभी पहला रोज़ा हो गया है ऑलमोस्ट, मतलब अभी इफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो ये मैं इधर चिपका दूँ। पहला हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये डाइनिंग मैंने सेट कर दिए, अभी और चीज़ें लेकर आती हूँ। सो गाइस, अब ये रोल मम्मी तल रही है। मम्मी हमने वो क्यों नहीं निकाला इस बारी, वो जो हमारा होता था, ये देखें इस बार ने किया ये पार। हाँ, मैंने इसके अंदर एक वीडियो भी बना के रखी है, वो भी डालना। ओके, तो मुझे एयर ड्रॉप कर देना। नहीं, तुम्हारे फोन में बनाई है। अच्छा, मेरे फोन में बनाई है। हाँ, क्या नहीं किया इसमें। वाओ मॉम, क्या लग रहे हैं यार, ब्यूटीफुल। कैसा बना? ऐसे जैसे मैंने बनाया। ये तो आपने बनाया, ये भी मैं तोड़ूंगी ना, फिर आप देना। मुझे नहीं, तुम्हें तो लूंगी। तो गाइस, हम लोग तरावी के लिए आ गए, आज हम तरावी के लिए लेट हो गए काफी, भाग भाग के आए, भाग भाग के आए। चलो भाई, अरे भाई चलो, थोड़ा गाना गाकर रिफ्रेश। सो गाइस, हम लोग लेट हो रहे हैं, तो हम लोगों ने अपनी तरावी पढ़ के अब हम जा रहे हैं, लेट्स गो। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। गाइस, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा व्लॉग, मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, मेक श्योर अपने ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा, और भी व्लॉग्स आएंगे कुकिंग के रिलेटेड, बी एक्टिव। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा कि क्यों मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, बिकॉज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, इतनी जल्दी जल्दी टाइम गुजरता है। सो यप, थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, गुड नाइट, सॉरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि आप लोग तो ये सुबह में देख रहे होंगे। बाय।